चिल्ड्रेंस वेलकम टू क्लास फिफ्थ। हाउ आर यू चिल्ड्रेंस? आई होप ऑल आर फाइन। इन प्रीवियस टॉपिक वी रीड द अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। टुडे आई विल टीच यू अबाउट द ओशंस। ओके, ओशन मीन्स समुद्र। ठीक है, ओशंस आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। 90% ऑफ द अर्थ्स वाटर इज कॉन्टेन्ड इन ओशंस। हमारे अर्थ का जो पानी है वो 97% पानी हमारा समुद्र में जाकर मिलता है। अवर अर्थ हैज फाइव ओशंस विच आर कनेक्टेड टू वन अनदर। हमारी पृथ्वी पे फाइव ओशंस हैं जो कि एक दूसरे से कनेक्ट हैं। दिस इज वाई द सी लेवल इज एट द सेम एट एवरी प्लेस। द फाइव ओशंस इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर आर Arctic Ocean, the Atlantic Ocean, the Indian Ocean, the Pacific Ocean and the Southern Ocean। अगर हम इसको एक alphabetical order में देखेंगे तो सबसे पहले आपका Arctic Ocean आएगा, फिर Atlantic Ocean आएगा, then Indian Ocean, then Pacific Ocean and the last Southern Ocean। अब हम Let's see the Arctic Ocean first। This ocean is located in the northern hemisphere। ये हमको कहाँ पर दिखता है? Northern hemisphere में होता है and mostly in the Arctic North Polar region। और ये कहाँ पर होता है? Arctic North Polar region में। It is the smallest and shallowest of the world's five ocean। ये सबसे छोटा लेकिन सबसे गहरा shallowest होता है। सबसे गहरा समुद्र वर्ल्ड का ये होता है। सबसे छोटा होता है लेकिन सबसे गहरा। इट इज़ यूजुअली कवर्ड विथ सी आइस और ये बर्फ से पूरा ढका हुआ होता है। एंड इट्स सैलिनिटी इज़ द लोवेस्ट ड्यू टू लो एवापोरेशन। और इसका जो खारापन सैलिनिटी होती है वो सबसे कम होती है। ओके, सेकेंड द एटलांटिक ओशन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट्स नेम रिफर्स टू एटलास। अगर हम इसका फर्स्ट पार्ट देखें, एटलास ऑफ ग्रीक माइथोलॉजी, ये ग्रीक माइथोलॉजी से हुआ है, मेकिंग एटलांटिक द सी ऑफ एटलास। तो देखेंगे अगर ग्रीक माइथोलॉजी से तो एटलास मीन्स क्या होगा? सी ऑफ एटलास, यानी एटलास का समुद्र। इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ओशन। ये हमारे पूरे वर्ल्ड का सेकेंड नंबर का सबसे बड़ा ओशन है। इट कवर्स अबाउट 29% ऑफ द अर्थ्स वाटर सरफेस एरिया। यहाँ पृथ्वी का 29 यानी अर्थ का 29% एरिया वाटर का इससे कवर्ड है। द एटलांटिक ओशन इज कनेक्टेड इन द नॉर्थ टू द अरेक्टिक ओशन। ये अरेक्टिक ओशन के नॉर्थ में इसका एटलांटिक ओशन कनेक्ट होता है। द पैसिफिक ओशन इन द साउथ वेस्ट और इसके साउथ वेस्ट में पैसिफिक ओशन होता है। द इंडियन ओशन इज द साउथ ईस्ट और इसके साउथ ईस्ट में आपका इंडियन ओशन होता है। एंड द साउदर्न ओशन इन द साउथ और इसके साउथ में आपका साउदर्न ओशन पाया जाता है। द मिड एटलांटिक रिज इज नोटेबल फीचर ऑफ द एटलांटिक ओशन। इसका जो बीच का एटलांटिक रिज जो पाई जाती है वो एटलांटिक ओशन का सबसे नोटेबल जब सबसे प्रमुख उसका फीचर होता है। ठीक है, उसके वो होते हैं। इट इज़ ए सब मैराइन रिज जो कि एक एक्सटेंडिंग फॉर अबाउट 16,000 किलोमीटर जो कि फैला हुआ होता है 16,000 किलोमीटर तक फ्रॉम द अरेक्टिक ओशन टू द साउदर्न टिप ऑफ अमेरिका जो कि अरेक्टिक ओशन से होता हुआ अफ्रीका के साउदर्न टिप तक जाता है। ओके, अब थर्ड में देखूंगी इंडियन ओशन। द इंडियन ओशन कवर्स अबाउट 20% ऑफ द अर्थ वाटर सरफेस। इंडियन ओशन हमारा अर्थ वाटर सरफेस का 20% होता है। ठीक है, इट मेक्स इट द थर्ड लार्जेस्ट ओशन। अगर हम इसको देखेंगे जैसे अटलांटिक आपका सेकेंड लार्जेस्ट था वैसे ही इंडियन ओशन आपका थर्ड लार्जेस्ट ओशन है।
दिस ओशन इज ऑल्सो नोन एज हिंद महासागर, इसको हम हिंद महासागर भी कह सकते हैं। हिंद महासागर आप लोगों ने सुना होगा ना बच्चों। द इंडियन ओशन इज द बाउंडेड बाई अफ्रीका ऑन द वेस्ट। इंडियन ओशन जो होता है आपका अफ्रीका से घिरा हुआ होता है जो कि वेस्ट में है, ऑस्ट्रेलिया इसके ईस्ट में होता है, नॉर्थ में इसके एशिया होता है और अंटार्कटिका यानी साउदर्न ओशन इसके साउथ में होता है। इट इज ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर ए कंट्री इंडिया। इस ओशन का नाम जब इंडिया का नाम पड़ गया था कंट्री का, तब उसके बाद इंडियन ओशन इसका नाम पड़ा। ओके, अब फोर्थ हम देखते हैं पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इट इज द लार्जेस्ट ओशन एंड कवर्स अबाउट 1/3 ऑफ द अर्थ्स टोटल सरफेस एरिया। इसका 1/3 वाटर सरफेस एरिया होता है, सबसे लार्जेस्ट ओशन होता है पैसिफिक ओशन। इट एक्सटेंड फ्रॉम द अरेक्टिक ओशन, ये फैला हुआ होता है अरेक्टिक ओशन से इन द नॉर्थ में टू द साउदर्न ओशन, साउथ के साउदर्न ओशन से अरेक्टिक ओशन के नॉर्थ तक फैला हुआ होता है। इट इज़ बाउंडेड बाई एशिया जो कि एशिया से घिरा हुआ होता है एंड ऑस्ट्रेलिया इसके वेस्ट में होता है, अमेरिका इसके ईस्ट में होता है। द मरीना ट्रेंच इन द वेस्टर्न पैसिफिक इज द डीपेस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड। जो मरीना ट्रेंच होता है यहाँ का सबसे फेमस ट्रेंच होता है इन द जो कि वेस्टर्न पैसिफिक होता है, सबसे डीपेस्ट पॉइंट वर्ल्ड में होता है, रीचिंग ए डेप्थ ऑफ 10,911 मीटर्स होती है। इसकी 10,911 मीटर्स इसकी गहराई होती है। द पैसिफिक इज़ नॉट ऑलवेज पीसफुल, ये पीसफुल नहीं होता पैसिफिक। मेनी ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स बेटर इज आइसलैंड ऑफ द पैसिफिक। हमारे जो भी हॉट तूफान जो होते हैं, जो सबसे गर्म तूफान जो उठते हैं, वो हमारे पैसिफिक से ही आते हैं। अब लास्ट हम लेट्स देखेंगे साउदर्न ओशन। द साउदर्न ओशन आल्सो नोन एज अंटार्कटिक ओशन। साउदर्न ओशन को हम अंटार्कटिक ओशन भी कह सकते हैं जो कि साउदर्न से साउदर्न को अपने में कंप्राइजेस करता है। मोस्ट वाटर ऑन द अर्थ इट इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द 60 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि सिचुएटेड होता है इसका लैटिट्यूड 60 डिग्री एंड इन सर्किल द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, जो कि पूरा घिरा हुआ होता है अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट से। इट इज़ द फोर्थ लार्जेस्ट ऑफ द 5 ओशंस। ये 5 ओशंस में से फोर्थ नंबर पर होता है, ठीक है। अंटार्कटिका ओशन सी लाइफ इंक्लूड्स पेंगुइन्स, ब्लू व्हेल्स, ऑर्कस, फर सील्स एंड स्क्वैड्स। अंटार्कटिका ओशन सी जो होती है वो इतने सारे एनिमल्स के लिए बहुत सही होती है, मतलब इन एनिमल्स की लाइफ यहाँ पर पॉसिबल होती है, जैसे पेंगुइन है, ब्लू व्हेल्स हैं, ऑर्कस हैं, फर सील्स हैं एंड स्क्वाइड्स हैं। यू अंडरस्टैंड बच्चों? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। वी विल कंटिन्यू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू चिल्ड्रेंस।